लिखिए, मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन हल्का सा लिखिए अपने हिसाब से। लिखा था कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी, कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट टाइम टी, पूरा लिखिए आप, आपको किताब रहेगी ना, हल्का सा लिखिए। टाइम टी इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, मैं बोला हूं सो लिखिएगा नहीं। एक्स बराबर है ए ब्रैकेट में टू टी माइनस साइन टू टी, अभी लिखवा रहे, और वाई बराबर है ए वन माइनस कॉस टू टी। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द एक्सेलरेशन इज, इट्स एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम टी, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम टी निकालना है। देखो क्या कर रहे हैं, सावधान, क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल किसी पाथ पे चल रहा है और पाथ का कोऑर्डिनेट होगा। तो अभी हम टॉपिक जो प्रूफ कराए थे, किसी टाइम टी पे हमने पार्टिकल को पॉइंट पी पे दिखाया था ना, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो ऐसा दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया गया है ए टू टी माइनस साइन टू टी, और वाई बराबर दिया गया है आपका ए वन प्लस कॉस टू टी। यानी ये जो एक्स और वाई किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टी पर डिपेंड कर रहे हैं, और आपसे कहा गया इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन ऑफ, तो बात की बात है, ठीक है, प्रूफ करना है आपको, यानी आपको प्रूफ ये करना है टू शो कि एक्सेलरेशन इसका क्या है, कांस्टेंट है। पहली बात तो पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट है, यानी टाइम के साथ साथ एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, यानी टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन भी है उसमें। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे आप निकालने के लिए, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन एंड टू ट्वाइस, या डबल डिफरेंशिएटिंग, डबल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन एंड टू विद रेस्पेक्ट टू टी, यही करेंगे ना, यानी इसको पहले एक्स डॉट निकालते हैं, हम डायरेक्ट एक्स डॉट लिख रहे हैं, आप चाहो तो इसके बाद डीएक्स बाई डी टी भी लिख दो, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ए, जिसका टू माइनस साइन टू टी क्या आएगा, टू कॉस टू टी, इतना डायरेक्ट याद करना चाहिए आपको, एंड एक्स डबल डॉट करो, यानी कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर करो, तो ए इसका जीरो, इसका माइनस फोर साइन टू टी, यानी आ गया आपका माइनस फोर ए साइन टू टी, ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। वाई डॉट करो, वाई डॉट इसको क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी टी, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो ए वन का जीरो कॉस टू टी का माइनस टू साइन टू टी, एंड वाई डबल डॉट करो, यानी इसको टाइम के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, तो माइनस फोर ए हो जाएगा, फोर ए कॉस टू टी, ठीक है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमने आपको बताया था टॉपिक में, अंडर रूट एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर, यही करना है ना, बोले ये कहां करना है, आपको तो निकालना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन निकालोगे तभी तो कांस्टेंट प्रूफ करोगे, ठीक है। देखिए एक्स डबल डॉट क्या है, ये है, स्क्वायर करो जरा, तो आएगा 16 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू टी, वाई डबल डॉट स्क्वायर करो 16 ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर टू टी, जरा सावधान, 16 ए स्क्वायर काम ले लो, कैमरे में आ जाओ, तो 16 ए स्क्वायर बाहर निकल के आएगा 4 ए, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टू टी प्लस कॉस स्क्वायर टू टी वन हो जाएगा, यानी ये कैंसिल गायब हो गया, तो यानी 4 आ गया ना, रिजल्टेंट क्या आ गया, एक मिनट गड़बड़ हो गया, एक्सेलरेशन यहां भी ए है यहां भी ए है, तो यहां पर एफ लिख दो, ठीक है, यहां पर एफ लिख दो एफ। अब बताओ एफ की, देखो आपका एक्स और वाई टी पर डिपेंड कर रहा था, यानी एक्स और वाई टी का फंक्शन था, यानी टी के चेंज होने पर एक्स चेंज हो रहा था, अगर यहां भी टी आ जाता तो क्या हम कहते कि एफ भी टी पर डिपेंड कर रहा है, यहां टी आ गया नहीं है ना, तो क्या कह सकते हैं इट इज कांस्टेंट, नहीं कह सकते, यानी आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है।
अब आपसे सेकंड पार्ट कह रहा है डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आपको टॉपिक पढ़ाया गया डायरेक्शन निकालने का। हमने कहा था पार्टिकल जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलता है तो वो किसी भी पॉइंट पे उसके टेंजेंट के लंग चलता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप लिखेंगे द डायरेक्शन इज गिवन बाय द डायरेक्शन इज गिवन बाय, याद करिए टेन साई बराबर बताया था वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट, ये था ना, भूल गए, वाई डॉट था डी वाई बाई डी टी, एक्स डॉट था डी एक्स बाई डी टी, डी टी डी टी कट गया था, ये था डी वाई डी एक्स। बोले हाँ हाँ आओ आया याद, ये जब सब कुछ बताने के बाद हाँ हाँ होगा तो दिक्कत होगी आपकी। देखो वाई डॉट की वैल्यू क्या है, ये है माइनस फोर ए साइन टू टी अपान एक्स डॉट क्या है, ये है, यहां से टू कॉमन ले लो, टू ए वन माइनस कॉस टू टी। अब इसको सॉल्व करो, ये डायरेक्शन निकल के आएगी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बोले सॉल्व क्यों करेंगे, अब आप वीडियो बना रहे हो, आप सॉल्व करोगे करोगे, थोड़ी देर आप ड्रामा करोगे, इसके बाद सॉल्व करोगे आप। देखो डायरेक्शन निकालने के लिए सुनिए ध्यान से, सावधान, टू कट जाएगा माइनस टू, एक बात ध्यान रखिएगा, पहले हम बात करेंगे डिनोमिनेटर की। आपको बताया गया है कि अगर कॉस कहीं पर लिया हुआ है और कॉस के साथ वन आ रहा है प्लस में या माइनस में, तो कॉस का सबसे बड़ा दुश्मन वन होता है, वो अपना काम बाद में करेगा, वन को पहले पटक के मारेगा, बोले बोले सारे इसको निपटा देते हैं, इसके बाद हम चर्चा बात करेंगे आपसे, ठीक वही करो। वन माइनस इसको क्या लिखेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी आएगा ना, साइन स्क्वायर टी है, ध्यान रखना साइन स्क्वायर टी, चूंकि यहां पर टी कर दिया टू टी से तो वो भी चेंज कर दो, टू साइन टी कॉस टी। अब देखो ब्रैकेट खोल दो, माइनस फोर साइन टी इंटू कॉस टी अपान, अरे साइन टू टी खोलोगे तो टू साइन ए कॉस ही नहीं आएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, खोलो इसको, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर टी, वन से वन कट गया, टू से टू कट गया, साइन टी से साइन टी कट गया, तो ये आ गया आपका माइनस का टू कॉट टी। मैं टू कहीं गड़बड़ कर गया, हमारा ज्यादा आ गया है, ये टू कहीं गड़बड़ कर गया, हम सब रब भी कर चुके हैं, एक मिनट, एक्स डॉट की वैल्यू क्या आई थी, एक्स डॉट की आएगी फोर ए साइन टू टी, सॉरी एक्स डॉट की आई है हाँ फोर ए, ठीक है नहीं एक्स डॉट की वैल्यू क्या निकली, जा देखिए ये टू ए हो गया, यहां पर ये टू ए है ना, ये टू ए टू एक्स डॉट, हाँ तो एक्स डॉट की बात करिए ना, फोर भी आ रहा था मेरा आंसर तो फाइव भी आ रहा था, वो अलग की बात है, यहाँ टू बचेगा, यहाँ टू हट जाएगा, ये टू यहाँ टू रहेगा, ये टू कट गया, यहाँ टू नहीं आएगा, यानी ये आ गया आपका टेन साई बराबर, ये आ गया माइनस का कॉट टी। सॉल्व करो जरा इसको, अब अगर माइनस हट जाए तो साई निकल आएगा, इसको लिखेंगे टेन नाइनटी प्लस टी, ले सकते हो क्यों, टेन थीटा बराबर टेन नाइनटी प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, टेन टेन हट जाएगा तो साई बराबर आएगा पाई बाई टू प्लस टी, ये आपका इंक्लिनेशन आ गया, थोड़ी सी गलती होने से दिक्कत आ जाती है, ठीक ये एक एग्जांपल है कैसे वैल्यू निकाली जाती है, ठीक नोट करिए इसको।